हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल मामू डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस आज हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने न्यू घर में, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे घर में शादी थी। शादी की भगदड़ में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने न्यू घर में, और सारा सामान हम लोगों ने पैक कर लिया है और बस अब ले जाना है। फिर वहाँ पर धीमे धीमे लगाती रहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट है और सभी लोग थके हैं, और ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है वो आगे आपको पता चलेगा, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे गाइज। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि मेरे घर में शादी थी भैया की, तो वहाँ से मैं जैसे ही फ्री हुई, रिसेप्शन मतलब हो चुका था, तो वहाँ से फ्री होने के बाद जल्दी से अपना सामान भरने के लिए आ गए थे। हम लोग यहाँ पर रेंट पे रहते थे, और हमारा घर जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारा घर रेडी हो चुका है, और हमें अब करनी थी शिफ्टिंग। और बहुत हड़बड़ी में गाइज हम लोगों ने सामान लगाया, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी जिठानी है, और मतलब मेरे से बड़ी हैं और काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी सपोर्ट करती हैं। वैसे मेरी जिठानियाँ तो सारी अच्छी हैं, लेकिन इनका क्या है कि इनके छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, और सबके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। सब एक तौर से पढ़ाई लिखाई सब उनकी कम्प्लीट ही मतलब चल भी रही है, कंप्लीट हो चुकी है, शादी भी हो गई। अभी आपने अगर ब्लॉग में देखा होगा तो मैंने अपनी भतीजी की शादी के ब्लॉग भी डाले हुए हैं। तो ये मेरी जिठानी है गाइस, ये मेरे भाई की शादी में आई थी, तो मैंने इनको रोक लिया था, और मैंने कहा कि दीदी मेरी थोड़ी हेल्प करा देना तभी आप जाना, क्योंकि आप लोगों सभी को पता होगा कि जब हम अपना घर चेंज करते हैं मतलब कहीं और शिफ्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये मेरा भाई आ चुका था मतलब हेल्प कराने के लिए, मतलब हम लोग काफ़ी लोग थे, मेरा भाई था, मेरे हस्बैंड, मैं और दीदी थी, और दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी हेल्प के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, और ये मेरे मकान मालिक थे जहाँ मैं रहती थी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, और काफ़ी अच्छे लोग हैं वो लोग, काफ़ी अच्छे लोग हैं। मेरी भाभी से बहुत बनती थी, और बुरा भी लग रहा था वहाँ से जब मैं छोड़ के आई, तो उनको भी बुरा लग रहा था। मतलब जब जहाँ रहने लगते हैं तो वहाँ से अगर कहीं मतलब छोड़ते हैं तो बेकार तो लगते ही है गाइस, और यहाँ थोड़ा सा जीना छोटा था, तो इसलिए हम लोगों को सामान थोड़ा मतलब बांध के नीचे लटकाना पड़ रहा था गाड़ी में, तो इसलिए दो तीन लोग लगे हुए थे। और इतनी जल्दी हम लोगों ने सामान पैक किया गाइस, आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने इतनी जल्दी सामान जो जैसा मिल रहा था जैसा मतलब हम लोग रखते जा रहे थे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से प्लानिंग हो गई कि सामान शिफ्ट करना है और रख लो अभी, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। एक्चुअल में क्या है गाइस, मेरे हस्बैंड जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनको टाइम नहीं था, उन्होंने मतलब लिमिटेड ही छुट्टी मिलती है लोगों को, तो जितनी छुट्टी थी उसी में शादी भी की, भतीजी की शादी थी, फिर शादी से आके फिर भाई की शादी अटेंड की, और शादी और फिर एक दो दिन की छुट्टी बची थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि सामान रख लो और फिर चाहे आराम से अपने लगाते रहना। तो गाइस देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर सारा सामान लेके, ये अब जैसा समझ में आया उल्टा सीधा वैसा भर के, बस ये लग रहा था कि अपने घर पे पहुंच जाए, फिर धीमे धीमे अपना लगाते ही रहेंगे। और ये दीदी मेरे से कह रही थी कि इतना सारा सामान कैसे लगेगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और हम सब लोगों ने आप मानोगे नहीं गाइस, हम लोगों ने रात में सामान लगाया जितना जो समझ में आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था। और जैसे कि मैंने बताया कि शादी भी चल मतलब शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद के काफ़ी फंक्शन होते हैं, अगर आप लोग देखते होंगे मेरे तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मतलब शादी के बाद भी रहती हैं, तो संभालने वाले हम ही लोग थे, और तो मतलब सब रिश्तेदार अपने जा ही चुके थे धीमे धीमे करके, और जब हम लोगों ने सामान शिफ्ट किया तो रिश्तेदार भी घर पर थे, तो लेकिन मम्मी ने बोला कि तुम अपना काम कर लो, क्योंकि छुट्टी नहीं थी उनको, इसलिए हम लोगों को जल्दी सामान शिफ्ट करना पड़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा जो था जल्दी जल्दी उतरवा के अपने घर पे रख लिया हम लोगों ने सारा सामान, और वैसे तो सामान बहुत कम लगता है, लेकिन जब रखते हैं उठाते हैं तो भाई बहुत हालत ही ख़राब हो जाती है, और इस सामान को हमें लगाना था
तो समझ में नहीं आ रहा था, तो दीदी बोलने लगी मुझे तो जाना है उनको, मतलब गांव, वो गांव में रहती हैं, तो वो बोलने लगी थी कि मुझे तो जाना है क्योंकि होली भी नज़दीक मतलब थी, तो वो बोलने लगी कि उनको जाना है क्योंकि होली अपने घर की आराधनी करता है, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो अपने घर का ही करता है, उनके भी छोटे बच्चे हैं और हस्बैंड, तो इसलिए दीदी ने कहा कि चलो रात में ही सामान लगा लेते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोगों ने रात में ही सामान लगाना शुरू किया और मैं अपने बच्चों को मम्मी के पास छोड़ आई थी, बता नहीं सकती हूँ कि इतनी थक गई थी, लेकिन वो दीदी की वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी वो हेल्प करने के लिए कोई ना कोई है, और इस चक्कर में फिर मैंने सोचा चलो रात में लगा लेते हैं। तो हम लोग धीमे धीमे करके अपना सारा सामान रात में लगाने लगे थे, खाना पीना भी नहीं खाया हम लोगों ने, एक टाइम खाना खाया था बस, और क्योंकि हड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी, सबको ये लगता है कि भाई चीज़ें जल्दी से हो जाए अच्छे से हो जाए, तो गाइस वही सब है। और घर तो आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, काफ़ी समय का बन चुका था लेकिन बस फर्नीचर का काम रह गया था, तो हम लोग इसलिए शिफ्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब धीमे मतलब एनोग्रेशन के बाद, मतलब जब ओपनिंग थी हमारे घर की 20 जनवरी को, तो उसके बाद हम लोगों ने फर्नीचर का काम लगवाया कि चलो ठीक है बन जाएगा तो हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ और फिर भाई की शादी की वजह से, मतलब भतीजी और भाई दोनों की शादी लगे पास ही पास में थी, एक की 22 फरवरी को शायद भतीजी की थी और मेरे भाई की 28 तारीख को थी, तो इस चक्कर में गए फिर हम लोगों ने सोचा शादी के बाद सामान कर लेंगे, जिस मतलब रख लेंगे, तो जिससे कि धीमे धीमे अपना सेट हो जाएंगे लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस थोड़ा थोड़ा सामान जो जहाँ रखना था वहाँ हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, कि किचन में सामान जहाँ लगाना है तो किचन का सामान अलग कर लिया, जिस बेडरूम में जो सामान लगाना था उसमें वो रख लिया था, मतलब जिस कमरे में जो सामान हम लोगों को लगाना था तो वो सब अलग अलग सामान कर दिया था, जैसे कि हेल्प हो जाएगी और हम लोग आराम से अपना सामान लगा पाएंगे। फिर भी गाइस बहुत समय लगता है सामान लगाने में, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ हम अच्छे से सेट करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, तो फिर भी जो सामान जैसा समझ में आया वैसा वैसा हम लोगों ने रख लिया। और उसके बाद दीदी तो चली गई सुबह मतलब अपने घर, और फिर हम लोग मैं मेरे हस्बैंड ही बच्चे, तो हम ही लोग धीमे धीमे अपना सामान अभी तक लगा रहे हैं, और आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने कैसी क्या चीज़ें सेट की हैं और किस प्रकार से अपना घर सजाया है, डेकोरेट किया है। और ये जग गए थे महाराज, तो मेरा भाई लेके इनको आ गया था, और इधर मेरे हस्बैंड भी रात में, मतलब अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग अकेले ही काम कर रहे हो, तो मेरे हस्बैंड को से भी मतलब उनके मतलब का जो काम था तो वो कर रहे थे, तो जैसे बड़ा बड़ा काम था तो वो कर ही रहे थे, लगा रहे थे सामान, वो भी हेल्प कर रहे थे हम लोगों की, और इधर हम लोग अपना काम करे जा रहे थे। मैंने दीदी से बोला भी कि चलो दीदी रहने दो, मैं कल लगा लेंगे अपन लोग सामान, लेकिन दीदी का तो एक ही था कि भाई उन्हें जाना है, और उनकी बात भी सही थी क्योंकि भाई फेस्टिवल नज़दीक था और एक और घर में शादी है, मतलब मेरी भतीजी की ही शादी है नंद की लड़की की, तो उसमें भी सब लोगों को शामिल होना, यार अभी प्रेजेंट में तो हम लोग इतने बिजी हैं कि हम लोग बता नहीं सकते, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, तो लेकिन फिर भी सारी चीज़ें तो भाई अपनी जगह हैं, अपना काम अपनी जगह है, तो हर आदमी अपना जैसा समय जो सिचुएशन होती है उसी हिसाब से काम करता है, तो हम लोग भी उसी हिसाब से काम कर रहे थे, जैसा जो समझ में आ रहा था तो वैसा करते जा रहे थे। और इधर मैं अपना सारा जो मुझे जहाँ जैसा रखना था वो मैंने रख दिया, अभी तो हाल फिलहाल में मैं मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ हो रही है सामान रखने की, लेकिन जब जो चीज़ हम लोग अच्छे से मतलब मैं लगाऊंगी और जैसा अपना घर सजाऊंगी वो सब आपको देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि न्यू घर है तो ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हों, कुछ भी पुरानी चीज़ अपन लोग रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी शादी का बहुत सारा सामान था तो उसको हटा नहीं सकते, इसलिए उन्हें उसी चीज़ों को नया करके मैंने कैसे चीज़ें अच्छे से करी हैं वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो गाइस आप बताइएगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा, वो तो आपने देखा ही होगा, अगर मेरा ब्लॉग नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा, मेरे
मतलब रूम टूर मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे पूरे घर को मैंने अपने अच्छे से दिखाया है, और जब हमारा ओपनिंग हुई थी 20 जनवरी को तो वो भी मैंने शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइस। और आप आगे देखिए कि हम लोग कितनी रात तक काम करते रहे और कैसा अपना सामान हम लोगों ने सेट कर लिया गाइस। अब हम लोगों को काम करते करते 1-2 बज गया था, फिर भी दीदी नहीं थकी थी, लेकिन मैं तो बहुत थक गई थी। दीदी तो मतलब जो मेरी जिठानी है वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरे आपने गांव के ब्लॉग देखे होंगे तो गाइस मेरी सारी जिठानियां बढ़िया हैं, मतलब बहुत हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम जो जैसा कह दो वैसा कर देती हैं। मैं सबसे छोटी हूँ तो सबसे ज़्यादा प्यार भी करती हैं मुझे ऐसा बंदेज में नहीं रखती हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत प्यार से रखती हैं, अपनी लड़की की तरह ही मुझे समझती हैं। और इनकी शादी मेरी जिठानी जो है इनकी शादी मेरे बाद हुई थी, मतलब पहले मैं आ गई थी फिर उसके बाद इनकी शादी हुई थी, लेकिन मैं शादी अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं चेन्नई में रहती थी। और मतलब जब मेरी शादी हुई थी हम लोग तभी गए थे, तो मैं चेन्नई में रहती थी, तो इनकी शादी हो गई थी तो हम लोग नहीं आ पाए थे इनकी शादी में। बाद में जब इनका रिसेप्शन हुआ था तब हम लोग आए थे, मतलब खाना पीना जब हुआ था उसमें हम लोग आ गए थे, लेकिन शादी तो मैं नहीं आ पाए थे। और इनके बच्चे और मेरे बच्चे मतलब बराबर के ही हैं लगभग, इनका एक बेटा एक बेटी है और मेरे 2 बेटे हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।